जब भी हमारे मन में कंप्यूटर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, बस यही घूमता है। पर क्या कंप्यूटर यही है? आखिर ये कहाँ से आया, किसने बनाया, कितने टाइप का होता है, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब वीडियो एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने ये वीडियो क्यों देखा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये क्या है। जो लोग कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे BCA, PGDCA, CCC, O-Level या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। कंप्यूटर का उपयोग हम हर जगह करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम कंप्यूटर के साथ जुड़े हैं, चाहे हम कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फिर भी हमारे बहुत से काम इसी के माध्यम से होते हैं, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी डिपार्टमेंट, बिलिंग में, एंटरटेनमेंट में, स्टडी में, स्टोर में प्रोडक्ट को स्कैन करने में, और पेमेंट का भी भुगतान करने के लिए या फिर हिसाब किताब रखने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। यानी कंप्यूटर के बगैर हमारी ज़िंदगी आज की डेट में नहीं चल सकती। हम शुरू करेंगे डाटा से, क्योंकि ये वर्ड बार बार इस ट्यूटोरियल के अंदर यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा को। यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसे जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, डाटा 0 to 9, स्मॉल लेटर्स में A to Z, कैपिटल लेटर में A to Z, और स्पेशल करेक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसे किसी भी पर्पज़ के लिए इकट्ठा किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। अगर डाटा को ऑर्गेनाइज कर ग्रुप में नहीं रखा जाता तो वो किसी काम का नहीं होता। डाटा कुछ इस प्रकार का हो सकता है, सिंगल करेक्टर, बोलियन, ट्रू और फॉल्स, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो। जैसे किसी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिल्म का नाम, एक्टर या जगह का नाम, ये सारा डाटा होता है। अब समझते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोग डाटा को ही इन्फॉर्मेशन समझते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो पूरी तरह से एक्यूरेट डाटा हो, जिसे पढ़ते ही सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है और इसमें हर टाइप का डाटा अच्छी तरह से लिखा होता है, जबकि डाटा अपने आप में अधूरा होता है। हालांकि डाटा को अच्छे ढंग से एनालाइज करके सही तरीके से रिप्रेजेंट करना ही इन्फॉर्मेशन कहलाता है। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे राम सन ऑफ रविंद्र कुमार एक डाटा है, क्योंकि ये कौन है, कहाँ रहता है, उसकी जन्मतिथि क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इसका डाटा किस पर्पज़ के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, जब इन सब बातों का भी हमारे पास डेटा होगा तब हम इसे इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है और कॉम प्लस PUTARE को मिलाकर कंप्यूटर शब्द बना है, जैसे कि आप देख सकते हो। कंप्यूटर शब्द मिला कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब है गणना करना या कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, इनके थ्रू यूज़र से डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है या फिर कैलकुलेट या फिर सर्च करता है, और उसका रिज़ल्ट आउटपुट डिवाइस पर, यानी कि मॉनिटर या स्क्रीन पर भेजता है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की पालना करता है। याद रखिए, कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ यूज़र द्वारा दिए निर्देशों का पालन करता है। अगर उसे यूज़र से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो उसे पूरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इससे पहले हमें CPU के बारे में जानना होगा। जैसे इंसान का दिमाग होता है, वैसे ही कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। जैसे CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। CPU को हम पहले 3 पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। CPU का यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह बेसिक मैथ की कैलकुलेशन के साथ ही लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें काफ़ी कंडीशन लगी होती हैं, उनको भी कैलकुलेट करता है। इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU भी होता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल तो करता ही है, साथ ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तक सारे काम सीक्वेंस में भेजता है। इसमें एक और पार्ट होता है रजिस्टर। रजिस्टर का काम रैम से इंस्ट्रक्शन लेना है और उन्हें डिकोड कर ये पता लगाते हैं कि इनके साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। यह डिवाइस से आने वाले डाटा को होल्ड करने का काम भी करते हैं। CPU के अंदर अलग अलग तरह के रजिस्टर हो सकते हैं।
ये उनकी स्पीड पर निर्भर करता है, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। जब कोई भी यूज़र जो कंप्यूटर को चलाता है इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड माउस से जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो सीपीयू में जाता है तो कंट्रोल यूनिट का काम शुरू हो जाता है। कंप्यूटर के सभी डिवाइस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को ALU में भेजता है, चाहे वो मैथ हो या लॉजिकल, जिनमें रजिस्टर का काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो भी रिजल्ट आता है वह रजिस्टर द्वारा आउटपुट डिवाइस पर कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजा जाता है। आउटपुट डिवाइस यानी कि जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि। अगर यूज़र इस रिजल्ट को स्टोर करना चाहे तो कंट्रोल यूनिट उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, गूगल पर ढूंढने पर आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे कि इसकी फॉर्म ये है वो है, तो मुझे इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। जनरली मैंने भी इंटरनेट के ऊपर ढूंढा तो मुझे कुछ इस तरह के जवाब मिले। सबसे पहला आता है सी, सी फॉर कॉमन, कुछ लोग इसे कमांडली भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे ओ ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली यानी कि पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। चलिए अब जान लेते हैं हम कंप्यूटर के बेनिफिट क्या होते हैं। अगर हम पुराने टाइम में जाएं तो आपको पता ही होगा कि सभी काम होने में कितना टाइम लगता था। एग्जांपल के लिए अगर एक लेटर किसी को लिखा जाता था तो उसे पहुंचने में कितना टाइम लगता था, और ये अब कुछ ही सेकंड में पूरे वर्ड में भेजा जा सकता है। पहले टाइपराइटर होता था, उस मशीन पर जब कुछ लिखा जाता था उसे हम इरेज या एडिट या स्टोर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर की वजह से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को हम इरेज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आगे भी भेज सकते हैं, और ये हमारी की हुई किसी भी गलती को ठीक भी कर सकता है। पर आजकल कंप्यूटर की जगह फ़ोन ने ले ली है। जो लोग डिज़ाइनिंग या कोडिंग करते हैं वो बड़ी मशीन की स्क्रीन को ही पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहले आती है इसमें स्पीड। कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की स्पीड को अगर इंसान की स्पीड से कंपेयर किया जाए तो ये इंसान काफ़ी पीछे रह जाएगा। कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन या सर्च को कुछ ही पलों में कर देता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी होती है। उसमें आप कितने ही सालों तक बहुत सा डाटा, फाइल, सॉन्ग, वीडियो, ऑडियो आदि सब कुछ इकट्ठा करके रख सकते हो। एक्यूरेसी, कंप्यूटर को जो भी काम करने के लिए आप कहोगे वो वही करेगा। जैसे इंसान चेक और चेक में कंफ्यूज हो जाता है, पर कंप्यूटर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, इसकी एक्यूरेसी 100% होगी। सिक्योरिटी, इसमें रखा डाटा काफ़ी सिक्योर होता है, जो कि यूज़र की मर्जी के अलावा अपने आप ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप इसमें रखे हुए डाटा पर पासवर्ड लगा देते तो उसे वो ही खोल सकता है जिसको उसका पासवर्ड पता होगा। कैपेसिटी, कंप्यूटर के काम करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इंसान के मुकाबले। इसे आप दिन रात काम पर लगा सकते हैं, ये नहीं थकता। ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है। कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र से लेता है वो उसी तरह से उस काम को करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो कोई भी पेशा हो, जैसे वकील, डॉक्टर या फिर कोई बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रिलायबिलिटी, इसके रिजल्ट पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो, जहाँ भी आपने इसमें डाटा रखा होगा वहीं वो डाटा आपको मिलेगा। रिडक्शन ऑफ मैन पावर, कंप्यूटर काफ़ी लोगों का काम अकेले ही कर लेता है, इससे आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन को। पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब उसकी शेप ऐसी नहीं थी, वो काफ़ी बड़ा था, शायद एक कमरे के साइज़ का। पर आज का कंप्यूटर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम और ज़रूरत के साथ इनका आकार, स्पीड आदि सब बदल गया है। अगर आप गूगल पर ढूंढोगे तो आपको अलग अलग साइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आइए जानते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। हज़ारों वर्ष से इंसान अपना हिसाब किताब रखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। पहले इशांगो बॉन्स पर लाइन लगाकर ग्रुप्स में नंबर लिखे जाते थे। 2400 BC से पहले अबेकस का इस्तेमाल हुआ, जिसे टीम कार्मर ने इन्वेंट किया था। पहले इसे कैलकुलेशन के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे जो आंखों से नहीं देख सकते थे। चलिए अब जानते हैं आज के मॉडर्न कंप्यूटर कौन से हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 19वीं सदी में भाप से चलने वाले उपकरणों को मशीन कहा जाता था। चार्ल्स बैबेज ने पहला भाप से चलने वाला एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो चलिए जानते हैं हम इसकी फर्स्ट जनरेशन को, कि पहली पीढ़ी इसकी कौन सी थी। तो पहली जनरेशन 1942 से 1955 के बीच में शुरू हुई। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, क्योंकि
इनमें मेमोरी और सर्किट के लिए काफ़ी सारा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। ये मशीन लैंग्वेज द्वारा चलाए जाते थे और काफ़ी महंगे होते थे। जहाँ इन्हें रखा जाता था वहाँ टेम्परेचर कम होता था, क्योंकि साइज़ में बड़ा होने के कारण ये काफ़ी गर्मी छोड़ते थे और ये काफ़ी बिजली खाते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमारी बिजली खाता था। उस समय बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता था। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप का उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह होता था। जो भी प्रोग्राम इसमें बनाए जाते थे वो पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे। सेकेंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी, वो थी 1956 से 1963 तक। इस टाइम में इनका साइज़ पहले से छोटा हो चुका था, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हो चुका था और ये सस्ते, कम बिजली खाने वाले और तेज़ हो चुके थे। इनमें प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक चार्ज और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप उपयोग किए जाते थे, पर इसमें अभी भी पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। और उस समय फोर्ट्रेन और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिन्हें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल किया जाता था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं IBM 1620, IBM 7094 और UNI VAC 1108। ये उस समय उपयोग होने वाले कंप्यूटर थे। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी, जो 1964 से 1971 या 1971 के बीच में थी। अब इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग होता था। एक IC के अंदर सर्किट के साथ काफ़ी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते थे। इसमें कंप्यूटर का साइज़ और क्षमता पहले से बेहतर हो चुकी थी और उस टाइम में एल्गोल, पास्कल, कोबोल, हाई लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ये साइज़ में छोटे, कम गर्म, तेज स्पीड और इसमें AC की ज़रूरत पड़ती थी, कम बिजली लेने वाले होते थे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं IBM 360, TDC 316, ये इनके टाइप हैं। चलिए जानते हैं फोर्थ जनरेशन को यानी कि चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी 1972 से 1980 के बीच में थी। इनमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, जिसमें लगभग 4000 से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर एक चिप में लगे होते थे और प्रोसेसर का आविष्कार हो चुका था। उस समय में C++, DBASE, लोटस उपयोग होना शुरू हो चुका था। इसकी कुछ विशेषताएं इस तरह हैं, ये काफ़ी सस्ते थे, पोर्टेबल थे, स्मॉल साइज था, नेटवर्क का उपयोग शुरू हो चुका था। इसके कुछ कंप्यूटर के टाइप हैं DEC 10, PDP 11। अब बारी आती है फिफ्थ जनरेशन की यानी कि पाँचवीं पीढ़ी की। तो 1980 से लेके अब तक हम पाँचवीं जनरेशन के अंदर हैं, जहाँ एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। इनमें फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम खेलने की पूरी क्षमता, वाइड नेटवर्क, कमांड से चलने वाले कंप्यूटर, सस्ते भी होते हैं, कॉम्पैक्ट भी होते हैं और टेक्नोलॉजी का वास्ट उपयोग होता है। हर दिन इसमें कुछ ना कुछ नया डेवलप हो रहा है। अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। आने वाले टाइम में एक मशीन को इंसान की तरह सोचने और समझने की टेक्निक दे रहा है और अब भी नई चीज़ों पर लगातार रिसर्च जारी है। चलिए जानते हैं कंप्यूटर के टाइप के बारे में। आजकल इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इनको इनकी कैपेसिटी, मेमोरी और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पहले नंबर पर आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को सभी पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये IBM द्वारा पहली बार बनाया गया था, IBM मॉडल 5150, जिसमें उस समय का पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS चलता था। इसमें अलग से CPU, स्क्रीन, मॉनिटर, माउस होते हैं। इनमें लोग वेब डिज़ाइनिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर, कैमरा आदि। दूसरे नंबर पर आता है लैपटॉप। लैपटॉप को सभी नोटबुक के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ कॉम्पैक्ट होता है, इसे हम कहीं भी कैरी कर ले जा सकते हैं। सबसे पहला लैपटॉप एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में बनाया था, पर जो सही ढंग से, अच्छी तरह से काम कर सके वो 2000 में बनाए गए थे। इनमें इनबिल्ट टचपैड होता है जो माउस का काम करता है, इनबिल्ट कीबोर्ड होता है जो कि टाइपिंग के काम आता है, स्क्रीन भी जुड़ी होती है और काम वॉट के स्पीकर होते हैं जिनमें हम म्यूज़िक और आवाज़ का मजा ले सकते हैं। इसमें बैटरी होती है जैसे कि फ़ोन के अंदर होती है, जिसकी मदद से हम इसे पावर से डिसकनेक्ट कर कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कैमरा भी होता है, जिसकी मदद से आप लाइव होकर किसी से बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैबलेट। इसकी इन्वेंशन का गूगल में खोजने पर 2001 दिखाता है, पर कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट को इसका क्रेडिट देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहला टैबलेट बनाया था।
यह साइज़ में छोटा है इसलिए इसे पाम टॉप कहते हैं। पाम टॉप यानी कि हाथ पर रखकर उपयोग होने वाला या हाथ के साइज़ का कंप्यूटर, जिनका साइज़ 7 इंच से लेकर 10 इंच का हो सकता है। इनमें कैमरा पहले से लगा होता है। कीबोर्ड और माउस की जगह स्क्रीन पर टच करके आप कहीं भी टाइप कर सकते हैं और अपने पॉइंटर को ले जा सकते हैं। इनकी मेमोरी कम होती है। इनमें बैटरी होने से हम चार्ज कर काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन, यही काम आज आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी काफ़ी खूबियां होती हैं, जैसे मेल, स्कैनिंग, कॉल, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लास, इंटरव्यू, गाड़ी की बुकिंग, शॉपिंग आदि सब इसी पर होता है। आज की डेट में सभी बड़ी कंपनी इन्हीं पर ही काम कर रही हैं क्योंकि फ़ोन कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसने पूरी दुनिया को एक हाथ के साइज़ वाले डिवाइस पर लाकर रख दिया है। इनमें इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। इनका उपयोग किसी भी कंप्यूटर बेस्ड काम के लिए हो सकता है, जैसे कि ये सबसे तेज़ कंप्यूटर होते हैं और इनसे मुश्किल काम लिए जाते हैं, जैसे रिसर्च करना, वेदर फोरकास्ट करना, रासायनिक यौगिकों की खोज करना या फिर बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स फिजिकल सिमुलेशन, जैसे कि ब्रह्मांड, परमाणु और अंतरिक्ष में होने वाली गुणों या क्षणों की गणना करना। पहला सुपर कंप्यूटर CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 6600 1964 के नाम से जाना जाता है। आज जबकि हम बात कर रहे हैं तो आज का युग में सुपर कंप्यूटर है समिट, जो कि ओक रिज नेशनल लेबॉरेटरी USA में है। इसकी क्षमता 148.6 पेटाफ्लॉप्स की है। यह बहुत बड़ी कैलकुलेशन और रिसर्च को बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं। ये 2014 में दुनिया के सामने आया। इसका उपयोग अर्थक्वेक, एटॉमिक स्केल आदि में हो रहा है। नेक्स्ट है सर्वर। यह है कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा मांगी सूचनाओं को प्रदान करता है और स्टोर करने का काम करता है। यह है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट पर WAN यानी कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में काम करता है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये एक से ज़्यादा कंप्यूटर का नेटवर्क है जो आपस में संदेश और सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं। अगर एक सर्वर कंप्यूटर से बहुत से कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो वो मल्टीपल्स क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक ही समय में सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। आसान सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो हम उसे सर्वर या क्लाइंट बोलते हैं, जिसमें जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है, जो उसके साथ जुड़े हुए छोटे कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। ज़्यादातर जो सर्वर आज इस्तेमाल होते हैं वो इस प्रकार हैं। फाइल सर्वर, जहां फाइल को अलग अलग जगह पर शेयर कर सकते हैं। गेम सर्वर, इसमें एक ही सर्वर पर काफ़ी यूज़र मिलकर गेम्स खेल सकते हैं। मेल सर्वर, ये मेल के लिए उपयोग होता है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि गूगल कितना बड़ा मेल सर्वर है, जो एक ही टाइम में कितने मिलियन लोगों को एक साथ मेल दिखा सकता है और भेज सकता है। प्रिंट सर्वर, इसका उपयोग एक समय में बहुत सी कंप्यूटर पर एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम। ये भी एक बहुत फास्ट कंप्यूटर का टाइप है। इसे लोग सर्वर की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड एक आम पर्सनल कंप्यूटर से काफ़ी अच्छी होती है। ये साइज़ में बड़े होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं। इसे बैंक, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रेलवे स्टेशन आदि में उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर, कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए वह पार्ट हैं जिनको हम छू या टच कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल पार्ट, उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आदि आते हैं। अब कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, चलो हम इन्हें 3 कैटेगरी में बाँट लेते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सिस्टम यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस को। इनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने, फीड करने या डालने या कंप्यूटर को निर्देश देने या एंटर करने के लिए किया जाता है। यह डाटा यूज़र, ऑपरेटर या इंसान द्वारा इनपुट किया जाता है। कुछ आम इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक, पर कुछ खास डिवाइस और प्रोग्राम के लिए कुछ अलग अलग इनपुट डिवाइस भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे टच पैनल, स्कैनर, डिजिटाइज़र, डाटा ग्लव्स, वॉइस इनपुट आदि। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड को, जो सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। इसका स्टाइल बिल्कुल पुराने टाइपराइटर की तरह होता है, पर इसमें कुछ बटन अलग से लगे होते हैं जिनमें अलग अलग काम किए जा सकते हैं। इनमें पहले 101 या 102 बटन होते, पर अब ये 104 से 108 तक हो सकते हैं, जैसे फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक। इन बटन से अलग अलग प्रोग्राम में कोई भी
स्पेसिफिक काम को किया जा सकता है। जैसे F1 हमेशा किसी भी प्रोग्राम में हेल्प के लिए होता है। अगर आप अकाउंट का प्रोग्राम टैली इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इन सभी बटन का उपयोग बखूबी होता है। जैसे अगर आप शिफ्ट और कैप्स लॉक का इस्तेमाल करोगे तो उसमें अक्षर छोटे या बड़े हो सकते हैं। इसमें एक कंट्रोल का बटन होता है जिसे CTRL। इस बटन को किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ एक साथ दबाकर शॉर्टकट कमांड चलाई जा सकती है। जैसे किसी भी प्रोग्राम में Ctrl+N नई फाइल बनाने के लिए, Ctrl+O फाइल खोलने के लिए, Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए होता है। इसमें Alt यानी कि अल्टरनेट कीज़ भी होती हैं। इनका उपयोग भी शॉर्टकट के लिए किया जाता है। जैसे एक साथ Alt+F प्रेस करके आप फाइल का मेन्यू खोल सकते हैं। Alt+V अगर आप इकट्ठा प्रेस करोगे तो आप व्यू मेनू खोल सकते हो। जो भी इसमें अंडरलाइन होने वाले आपको लेटर दिख रहे हैं, जब आप उनको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मेनू आपके कीबोर्ड से ही ओपन हो जाएंगे। इसमें एक बड़ी सी की लगी होती है, उसे हम स्पेस बार बोलते हैं, जो कि लाइंस या वर्ड में स्पेस देने के काम में आती है। इसमें एक एंटर का बटन होता है जो कर्सर को नई लाइन में ले जाता है। इसमें एक न्यूमेरिक पैड लगा होता है। इसमें आप कैलकुलेटर की तरह जल्दी से न्यूमेरिक लिख कर कैलकुलेशन कर सकते हो। कर्सर मूवमेंट बटन, इनसे आप अपने लिखे टेक्स्ट में ऊपर नीचे दाएं बाएं आसानी से जा सकते हो। कई बटन पर एक से ज़्यादा लेटर प्रिंट हैं। जो नीचे वाले लेटर हैं वो ऐसे ही टाइप हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले अक्षर हैं उन्हें टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाकर रखना पड़ेगा और उसके बाद आप जो भी बटन दबाएंगे जिस पर एक से ज़्यादा अक्षर है तो ऊपर वाला अक्षर अपने आप ही टाइप हो जाएगा। इसमें एक एस्केप की बनी होती है। किसी भी खुले हुए डायलॉग बॉक्स को बंद करने या कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें होम बटन होता है लाइन के शुरू में जाने के लिए, एंड बटन होता है लाइन के एंड में जाने के लिए, पेज अप होता है पहले पेज पे जाने के लिए, पेज डाउन होता है नीचे वाले पेज पे जाने के लिए। इसमें डिलीट और बैकस्पेस का बटन भी बना होता है। किसी भी अक्षर और लाइन को राइट साइड से इरेज करने के लिए हम डिलीट के बटन का उपयोग करते हैं, जबकि बैकस्पेस किसी भी अक्षर और लाइन को लेफ्ट साइड से इरेज करने या ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक टैब का बटन भी होता है, अगले कॉलम में जाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माउस। माउस को हम मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सिलेक्शन इक्विपमेंट भी बोलते हैं। यह एक पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि हाथ में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। पहले ये माउस बॉल वाले होते थे, पर अभी ऑप्टिकल टेक्निक पर आते हैं। आपने देखा होगा कि इसके नीचे एक रेड लाइट जलती है जो पॉइंटर को डायरेक्शन बताती है। नई पीढ़ी में वायरलेस माउस और कीबोर्ड भी आ चुके हैं। इन्हें आप एक निश्चित दूरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस के ऊपर दो बटन लगे होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट से आप कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम खोल सकते हो, जबकि राइट माउस बटन का उपयोग किसी भी एप्लीकेशन में कॉमन कमांड्स को खोलने के लिए किया जाता है। इसको प्रेस करने से पॉपअप मेनू खुलता है जिसमें हम ज़्यादा उपयोग होने वाली कमांड की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें एक व्हील भी लगा होता है जिससे हम अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्य करवा सकते हैं, जैसे जूम करना, जूम आउट करना, पेज ऊपर नीचे करना आदि। नेक्स्ट इसमें आता है जॉयस्टिक। कंप्यूटर के साथ उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। इसे ज़्यादातर कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है टच पैनल्स। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का ही काम करता है, जैसे फ़ोन, टैबलेट आदि। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रैक बॉल। ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कि माउस की तरह काम करता है। इसमें सेंसर लगे होते हैं। जब हम बॉल घुमाते हैं तो वह दो एक्सिस पर घूमते हुए हमारे पॉइंटर को रोटेट करता है। इसे अंगूठे से घुमाया जाता है। इसमें भी दो लेफ्ट और राइट बटन लगे होते हैं। स्कैनर, ये भी कंप्यूटर के साथ जुड़ने वाला इनपुट डिवाइस है, जिनका काम किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर कंप्यूटर की स्क्रीन पर भेजना होता है। यह स्कैनर फ्लैट बेड और हैंडी भी हो सकते हैं। इनका मुख्य कार्य पुराने डॉक्यूमेंट, बुक्स और इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। डिजिटाइजर, यह एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर में पिक्चर में एडिटिंग के लिए किया जाता है। यह इमेज को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। डेटा ग्लव्स, यह भी इनपुट डिवाइस है जो हाथों में पहना जाता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से हमारे हाथ हिलने के इशारे पर यह काम करता है। इसका उपयोग वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स में किया जाता है। माइक, माइक से हम बोलकर अपनी आवाज़ या ऑडियो से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत होगी जिसे हम वॉइस रिकग्निशन बोलते हैं। इसके लिए इसमें पहले से ही कुछ वर्ड या वोकैबुलरी स्टोर होती है, कुछ हम अपनी आवाज़ में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। OCR,
यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। इसके द्वारा हाथ से लिखे और टाइप किए हुए इमेज बेस्ड पेज में से करेक्टर को स्कैन कर मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है और कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में स्टोर किया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का बदलाव किया जा सके। इसका उपयोग डाटा एंट्री के लिए भी किया जाता है। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। बैंक द्वारा इशू चेकबुक के चेक के नीचे एक लाइन लिखी होती है जिसे हम MICR स्कैन करने पर रीड करता है। MICR लाइन में तीन नंबर्स का ग्रुप होता है, चेक नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक रूटिंग नंबर। इसे चेक पर मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और मशीन इसे ही रीड कर पाती है ताकि पता चले कि ये चेक सही है या गलत। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। यह मानव द्वारा मार्क किए गए डाटा को रीड करते हैं, जैसे सर्वे फॉर्म या फिर टेस्ट। ये प्रश्न को पढ़कर उसके लिखे उत्तरों की जांच कर दिए हुए मार्क्स के क्राइटेरिया के हिसाब से अपने आप आंसर शीट को चेक कर मार्क्स बता देते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के पेपर जब होते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम पेंसिल से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मार्क करना होता है, तो ऐसे पेपर OMR शीट पर लिखे जाते हैं जो कि मशीन द्वारा चेक किए जाते हैं। यह मशीन काफ़ी लोगों का काम बहुत जल्दी कर देती है। बार कोड रीडर, यह ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो प्रिंटर बार कोड को रीड करता है। यह बार कोड को डिकोड करता है और डाटा कंप्यूटर पर भेजता है। यह हैंडी और फ्लैटबेड हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल में सभी प्रोडक्ट पर बार कोड लगा होता है जिसकी मदद से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और रेट को मशीन से पढ़ा जा सकता है और बिल में उसका रेट जोड़कर बिल तैयार किया जाता है। डिजिटल पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन या डिजिटल पेन। ये पेन हम डायरेक्ट स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूज़र द्वारा लिखे शब्द, ड्राइंग और ब्रश स्ट्रोक को एनालॉग से डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर करता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड, ये एक मैट्रिक्स बार कोड होता है। ये मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी डिस्क्रिप्शन और प्राइस जुड़ा होता है। एक QR कोड चार एनकोडिंग मोड्स को इस्तेमाल करता है जैसे कि एक न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइट बाइनरी और कांजी। इसका इस्तेमाल आजकल ऑनलाइन पेमेंट में होता है। इसे सिर्फ मशीन द्वारा ही पढ़ा जा सकता है और उसमें उससे संबंधित प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। कंप्यूटर द्वारा रॉ डाटा यानी कि कच्ची डाटा को प्रोसेस कर रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर भेजा जाता है। ये रिजल्ट इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि फॉर्मेट में हो सकता है। जिन डिवाइस पर ये रिजल्ट देखने या सुनने को मिलता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसके टाइप ये रहे। सबसे पहले आता है मॉनिटर। इसे वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह किसी भी इमेज को पिक्सल के साथ बनाता है। जब हम किसी भी इमेज को जूम करके देखते हैं तो हमें पिक्सल को देख सकते हैं। अगर किसी भी इमेज के पिक्सल कम होते हैं तो ये इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मॉनिटर दो तरह का होता है। कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT, ये पुराने टाइप के मॉनिटर हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। ये कलर और मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं। इनका साइज़ 14 इंच से 19 इंच के आसपास हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। इनमें सबसे पहला टाइप आता है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें बैकलाइट के लिए LED का उपयोग किया गया है। इसमें बैक साइड से रोशनी निकलकर पोलराइज फिल्टर में जाती है, फिर ये TFT ग्लास से गुजरती हुई लिक्विड क्रिस्टल में जाती है। इसके बाद ये कलर फिल्टर से गुजरते हुए पोलराइज फिल्टर से इमेज को डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट में आता है LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसमें CCFL यानी कि कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प बैक लाइट का उपयोग किया जाता है। बाकी सब जैसे LCD में बताया गया वैसा ही इसके अंदर भी होता है। नेक्स्ट में आता है मॉनिटर प्लाज्मा मॉनिटर। इसमें दो प्लेट के बीच में छोटे छोटे पार्ट या पिक्सल बने होते हैं जो फास्फोरस कोटेड होते हैं और रेड ब्लू ग्रीन कलर में होते हैं। ये पिक्सल नोबल गैस से भरे होते हैं। इनके चारों तरफ इलेक्ट्रोड की ग्रिड होने से ये सामने रोशनी फेंकते हैं। जब इन पिक्सल से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो इनमें मौजूद गैस अल्ट्रा वायलेट गैस में बदल जाती है। फास्फोरस की कोटिंग होने से ये डिस्प्ले देना शुरू कर देते हैं और बल्ब की तरह चमकते हैं और हमें इमेज दिखाई देती है। OLED यानी कि OLED या फिर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसे बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसकी इमेज क्वालिटी इन दोनों से अच्छी होती है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होती है। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में फोल्ड हो सकती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस आ रहा है यहाँ पे प्रिंटर्स।
कंप्यूटर में किया गया कोई भी कार्य पेपर पर प्रिंट करने यानी किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। ये प्रिंटर कलर या ब्लैक एंड वाइट हो सकते हैं। इनकी स्पीड को इनके टाइप से पहचाना जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को। ये प्रिंटर टाइपराइटर के मैकेनिज्म पर काम करते हैं जहां एक रिबन पर पिन स्ट्राइक करते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से कोई भी अक्षर प्रिंट करते हैं। इन प्रिंटर की स्पीड को करेक्टर पर मिनट यानी कि CPM और लाइन पर प्रिंटर में मापा जाता है। इसके कुछ टाइप इस प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी कि DMP। सबसे पहले देखते हैं DMP। ये प्रिंट हेड की वजह से प्रिंट करते हैं। इनमें 9 से 24 पिन होती हैं। ये प्रिंटर किसी भी अक्षर को या इमेज को डॉट में प्रिंट करते हैं। ज़्यादातर ये प्रिंटर आपको बैंक, हॉस्पिटल या जहाँ पर बिलिंग या स्टेटमेंट निकालने का काम होता है वहाँ पर मिलेंगे। ये एक सेकंड में 100 से 600 अक्षर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे प्रिंटर आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। जैसे एक छोटी हथौड़ी पर अक्षर छपा होता है और वो रिबन पर बजता है तो अक्षर प्रिंट हो जाता है। ये 25 से 55 अक्षर पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। ये एक टाइम में 1200 से 6000 लाइन प्रिंट कर सकते हैं। इसके आगे आता है ड्रम प्रिंटर। इसमें एक सिलेंडर शेप में ड्रम लगा होता है जिस पर पहले से ही अक्षर प्रिंट होते हैं। इसमें भी रिबन की मदद से लाइन को प्रिंट किया जाता है। ये 300 से 2000 लाइन एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर एक चैन का इस्तेमाल करता है जिस पर पहले से एक अक्षर उभरा होता है। ये चैन दो पुली के बीच में लगा होता है। ये पुली या गियर चैन को घुमाते हैं और जिस पोजीशन पर कुछ प्रिंट करना होता है वहाँ एक छोटी सी हथौड़ी चैन पर बजती है और लेटर प्रिंट हो जाता है। इसकी स्पीड 400 से 2500 अक्षर पर मिनट होती है। नेक्स्ट आता है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर ये चैन प्रिंटर की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये 48 अक्षरों के 5 ग्रुप में बना होता है और हथौड़ी कम बार स्ट्राइक होती है। प्रिंटर में हमारा दूसरा पार्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर केमिकल हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से प्रिंट करता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी तेज़ और अच्छी इमेज क्वालिटी वाले होते हैं। इनके टाइप ये रहे। सबसे पहले आता है इंकजेट प्रिंटर। ये इंक बूंदों को पेपर पर फेंक कर इमेज को प्रिंट करता है। यह 1000 अक्षर पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है। ये कलर और ब्लैक एंड वाइट हो सकता है। आजकल फोटोग्राफर इसी तरह के प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र प्रिंटर। ये प्रिंटर बीम का इस्तेमाल कर ड्रम पर मैग्नेटिक इंक से इमेज बनाते हैं और उसे ड्रम द्वारा हीट और प्रेशर की मदद से पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। नेक्स्ट आता है इसमें थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर थर्मल पेपर जो कि सेंसिटिव होता है उस पर थर्मल प्रिंटर द्वारा छोड़ी गई हीट द्वारा प्रिंट किया जाता है जिसे बारकोड लेबल में किया जाता है। प्लॉटर। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बड़ी चीज़ों पर प्रिंट करने के काम में आता है। इसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में भी किया जाता है। ये कलर और ब्लैक एंड वाइट हो सकते हैं। इनमें एल्युमिनियम शीट, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लकड़ी, स्टील किसी भी सरफेस पे प्रिंट किया जा सकता है। प्रोजेक्टर। इसे कंप्यूटर या इसमें पेन ड्राइव या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके किसी दीवार या पर्दे पर प्रोजेक्शन कर इमेज या वीडियो को देखा जा सकता है। कंप्यूटर पर एक्सटर्नल स्पीकर लगे होते हैं जिनमें एम्पलीफायर लगा होता है जिनमें हम ऑडियो और वीडियो की आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं। तो इनमें जो पॉपुलर डिवाइस हैं वो है टच स्क्रीन। स्क्रीन पर टच करके आप इनपुट कर सकते हो, हम आउटपुट उसी स्क्रीन पर ले सकते हैं जैसे कि फ़ोन या टैबलेट। तो ये दोनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। कैमरा जो फ़ोटो खींचकर इनपुट करता है और उसी पर हम आउटपुट को भी देख सकते हैं। ऐसे ही मॉडेम। इसका काम कंप्यूटर से मिले डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर आगे भेजना होता है। साथ ही एनालॉग सिग्नल लेकर डिजिटल में कन्वर्ट करके डिजिटल डिवाइस तक पहुंचाना होता है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। जनरली मॉडेम का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए किया जाता है। फैक्स। फैक्स भी सिग्नल लेकर डाटा को प्रिंट करता है यानी उसे दूर बैठे यूज़र से कमांड दी जाती है प्रिंट की और फैक्स मशीन उसे प्रिंट कर देती है और उसी से ही डाटा को इनपुट भी किया जा सकता है।
जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम उसे सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता, उसके अंदर ही हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी कैबिनेट या सीपीयू है जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मदरबोर्ड को। ये कंप्यूटर का मेन बोर्ड है जिसके साथ सब कुछ जुड़ा होता है, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, सीडी, डीवीडी, फैन आदि। ऐसे ही हम इसमें एसएमपीएस यानी कि पावर सप्लाई, मेन बोर्ड को बिजली पावर सप्लाई से मिलती है। ये मेन बोर्ड के अलावा हार्ड डिस्क और सीडी को भी पावर देता है। ये यहाँ पर रैम है। ऐसे ही प्रोसेसर यानी कि जो एक्चुअल में हमारा सीपीयू होता है। इसी के अलावा साइड में सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर लगी होती है। ऐसे ही इसमें एक्सपेंशन स्लॉट, इसमें आप ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड या कोई भी यूएसबी कार्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सीएमओएस सेल लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर टाइम को मेंटेन करके रखता है। टाइम और डेट इसी की वजह से कंप्यूटर के बीच में सेट रहती है। तो इसके बिल्कुल साथ ही एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, अगर कैबिनेट के अंदर गर्मी हो जाती है तो ये इसे बाहर निकाल देता है। ऐसे ही प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगा होता है, ये प्रोसेसर को ठंडा रखने में मदद करता है क्योंकि ये चलते हुए काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंप्यूटर स्लो हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। कनेक्टर एंड केबल, सभी पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये एंड में जिसके अंदर ये सारा सामान लगा होता है, इसे हम कैबिनेट बोलते हैं। चलिए अब हम इसकी बैक साइड में भी चलते हैं कि इसकी बैक साइड में क्या होता है। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं एसएमपीएस को, और उसका फ़ैन साथ में लगा हुआ है जो पावर सप्लाई की गर्मी को बाहर निकालता है। ये पावर केबल को लगाने का पोर्ट है, यहाँ पर पावर सप्लाई को पावर दी जाती है। कई पावर सप्लाई में ऑन ऑफ का स्विच भी लगा होता है। इस पोर्ट को हम बोलते हैं PS2 पोर्ट, जो वायलेट, ब्लू या जामुनी कलर में होता है। इसमें आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हो। जो PS2 पोर्ट ग्रीन कलर में होता है, उसमें हमेशा माउस को लगाया जाता है। इस पोर्ट को बोलते हैं DVI पोर्ट यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इस पोर्ट में आप मॉनिटर से आने वाली डाटा केबल को लगा सकते हैं। ऐसे ही VGA पोर्ट भी होता है इसके अंदर, यानी कि विजुअल ग्राफिक एरे या फिर वीडियो ग्राफिक एरे पोर्ट। इसमें आप 15 पिन वाली मॉनिटर की डाटा केबल को लगा सकते हैं। ये जो पोर्ट है USB 2.0 यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसे। इसमें आप USB से चलने वाले डिवाइस को लगा सकते हैं। इनके पोर्ट का कलर ब्लैक होता है, जैसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस। ऐसे ही इसमें USB 3.0 भी लगाया जा सकता है। इसमें भी आप USB से चलने वाली डिवाइस लगा सकते हो। इस पोर्ट की स्पीड पहले वाले पोर्ट से तेज़ होती है और इसका कलर ब्लू होता है। ऐसे ही नेक्स्ट पोर्ट है HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें भी आप मॉनिटर या TV से आने वाली डाटा केबल को लगा सकते हैं। इसमें माइक का पोर्ट भी लगा हुआ है, इसमें आप माइक लगाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका कलर पिंक होता है। ये स्पीकर का पोर्ट है, इसमें आप स्पीकर की वायर लगा सकते हैं। इसमें एक लाइन इन पोर्ट भी होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर की वायर अटैच करके कंप्यूटर में कुछ भी प्ले करके कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि एक यूज़र द्वारा दी जाती है ताकि हार्डवेयर या मशीन काम कर सके। इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाने वाले और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरप्रेटर का काम करता है। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच में सॉफ्टवेयर ना हो तो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकेंगे। इसे डिटेल में हम आगे समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो एक ही प्रोग्राम के रिजल्ट को दिखाता है, जबकि सॉफ्टवेयर में किसी एक टास्क के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर तीन तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक मीडिएटर या फिर इंटरप्रेटर का काम कर सकता है, जो
जो कि मानव से इंस्ट्रक्शन लेकर मशीन या कंप्यूटर को उसी की भाषा में समझाते हैं और मशीन से जवाब लेकर उसे मानव भाषा में कन्वर्ट कर मानव को भेजते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देख लेते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बिना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चला सकते। इसकी मदद से हम एक ही समय में एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। इसकी वजह से ही सभी डिवाइस सही ढंग से काम करते हैं। नया डिवाइस अटैच होने पर यह उनके ड्राइवर इंस्टॉल करता है, किसी प्रकार की एरर आने पर उसको रिपेयर भी यही करता है और ये यूज़र फ्रेंडली होता है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है जो सबसे पहले उपयोग में लाया गया। हम सभी को सिखाया जाता है कि इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। पर उनके पीछे काम कौन करता है? बाइनरी नंबर्स यानी कि 0 और 1। फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सभी एक मशीन या हार्डवेयर हैं। जब इनमें ह्यूमन लैंग्वेज को समझने का प्रोग्राम डाल दिया जाता है तो ये मशीन हमारी भाषा समझने लगते हैं। आखिर क्या है वे? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। दरअसल इन सभी मशीन को चलाने के लिए मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसकी कमी ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरी होती है। कोई गाना, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट जो भी कंप्यूटर में देखते या सुनते हैं वो सब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है यानी कि 0 और 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये एक प्रोग्रामर के लिए लिखे कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से रिजल्ट लेकर उसे हमारी लैंग्वेज में वापस दिखाता है। तो लैंग्वेज के हम टाइप देखते हैं कितने होते हैं। तो 3 टाइप होते हैं लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज, ये बाइनरी लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 है जिसे मशीन समझती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बाइनरी से थोड़ी एडवांस है जिसमें छोटे छोटे शब्द जोड़कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज से एडवांस होती है जिसमें हम सीधी स्टेटमेंट लिखकर कंप्यूटर को कोई निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर के साथ जुड़े सभी पार्ट जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस सभी को डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अगर कंप्यूटर में कोई डिवाइस अटैच किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करता है ताकि फ्यूचर में अगर उस डिवाइस को कोई कमांड दी जाए तो वो सही ढंग से काम कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर आदि। सॉफ्टवेयर एक समय में एक ही तरह का काम करता है जैसे जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा काफ़ी काम कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक पुल का काम करते हैं। इनको डालने से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी प्रदान करते हैं। इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। एक टाइम में कंप्यूटर 1 बिट डाटा ही स्टोर कर सकता है। जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर्स में डाटा स्टोर होता है, उन्हें हम बिट बोलते हैं। जब 8 बिट के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं। अगर हमने कंप्यूटर पर कीबोर्ड से ए लेटर को टाइप किया तो उसके पीछे कंप्यूटर ने बाइनरी नंबर्स या बिट्स को कुछ इस तरह से टाइप किया। कंप्यूटर सभी वर्ड, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो को अलग अलग बाइनरी नंबर से स्टोर करता है। जैसे एक अक्षर के लिए 8 बिट का ग्रुप है तो पूरे वर्ड के लिए ज़्यादा बिट बनेंगे और कंप्यूटर उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज या मेमोरी लेगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। 8 बिट का मतलब 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब 1 करेक्टर यानी कि 1 अक्षर। जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर कहीं आप 1 बाइट देखते हो तो इसका मतलब यह है कि 8 बिट को मिलाकर बना है। ऐसे ही आप मेमोरी का मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1024 बाइट का मतलब 1 किलोबाइट या 1 KB होता है। 1024 किलोबाइट का मतलब 1 MB, सो ऑन। तो यहाँ पे हमने उसकी पूरे लिस्ट बनाई है तो आप देख सकते हो। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कितने बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं। एक छोटी कहानी जो है वो 1 किलोबाइट के लगभग लेगी।
एक पूरा पेज जब हम टाइप करते हैं तो वो 2 KB या 2 KB का होगा। अगर हम 5 किताबें 500 पेज की प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं तो वो 1 MB की होगी। एक जो डिस्क होती है वो 700 MB की होती है। एक DVD है वो 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक हो सकती है। मेमोरी में स्टोर होने वाला डाटा एक एड्रेस पर स्टोर होता है। जब भी कंप्यूटर पर डाटा ढूंढा जाता है तो वह स्टोर्ड एड्रेस से उसे ढूंढ कर लाता है। अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी या स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो अब देखते हैं मेमोरी की कितने टाइप की होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, इसे टेम्प्रेरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह एक प्रकार की चिप होती है। यह प्रोसेसर के साथ अटैच होती है जिसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर खोलकर कुछ टाइप करते हो जबकि आपने अभी तक फाइल को सेव नहीं किया तो ये फाइल कंप्यूटर की टेम्प्रेरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में होती है। सेव ना किए जाने की सूरत में ये डाटा उड़ जाता है। जब हम फाइल को सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क पर स्टोर हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है हम देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट हैं, रैम और रोम। तो रैम जो है वो 2 टाइप की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, वो भी 2 टाइप की होती है जिसे हम प्रोग्रामेबल रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैम को। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है और प्रोसेसर द्वारा इसे डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। ये काफ़ी महंगी होती है। ये वॉलेटाइल मेमोरी है यानी कि स्टोर ना किए जाने की सूरत में इसमें से डाटा ख़त्म हो जाता है। आप अभी 32 GB से लेकर 64 GB तक इसे ले सकते हो। ये 2 टाइप की होती है, DRAM यानी कि डायनेमिक रैम। यह एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनाई जाती है। यह 1 सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश हो सकती है। इसमें काफ़ी बड़े सेल्स हो सकते हैं, इसकी स्पीड कम होती है। स्टैटिक रैम, इसका हर एक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। इसे रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं होती। इसे 3D एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। रोम, इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये पहले से ही मदरबोर्ड में फिट होती है और इसमें पहले से ही इंस्ट्रक्शन डालकर दी जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। प्रोग्रामेबल रोम, इस रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन के साथ नई इंस्ट्रक्शन को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम और डिवाइस की ज़रूरत होती है। EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इस रोम या चिप में प्रोग्राम को मिटाकर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। यह 2 प्रकार की होती है, EEPROM और UVEPROM। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कैश मेमोरी। यह मेमोरी प्रोसेसर के साथ काम करती है जो कि पहले से ही मदरबोर्ड या प्रोसेसर में लगी हो सकती है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। यह एक तरह की टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। जब रैम किसी भी प्रोग्राम के लिए कम रह जाती है और कंप्यूटर स्लो होने लगता है, अगर हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी लगी होती है तो उस समय कैश मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड को कम नहीं होने देती। सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर में डाटा सेव या स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसमें स्टोर डाटा फ्यूचर में कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। ये 2 तरह के डिवाइसेस में स्टोर हो सकती है, फिक्स डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइस के अंदर। तो फिक्स डिवाइसेस कौन से होते हैं जो कि कंप्यूटर में पहले से ही फिक्स होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं जिसे, CD, DVD, ये सब फिक्स डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के बीच में लगे होते हैं। कुछ डिवाइसेस रिमूवेबल होते हैं यानी उन्हें ज़रूरत पड़ने पर हटाया जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, CD, DVD, ब्लूरे, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिक्स डिवाइस से। इसमें सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को जनरली हम HDD के नाम से जानते हैं। हार्ड डिस्क एक सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होती है। आज उनकी कैपेसिटी टेराबाइट में आती है। यह अंदर से एक स्पिंडल के चारों तरफ घूमती है। इसमें स्टोर होने वाला डाटा प्लेटर पर स्टोर होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर लगा होता है जिसमें स्पेस होता है। इस प्लास्टर का डायमीटर 14 इंच का होता है। यह 5400 RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट पर चलती है और 15000 RPM तक इनकी कैपेसिटी होती है घूमने की। इसमें मैग्नेटिक रीडर लगा होता है जो डाटा को राइट और रीड करता है। नेक्स्ट में आता है सेकेंडरी मेमोरी में SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव।
ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह होता है, एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट की असेंबली का इस्तेमाल करता है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जिनकी स्पीड काफ़ी कम होती है उनसे 100 गुना तेज स्पीड पर डाटा को एक्सेस करता है। इनमें फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि FDD। पुराने टाइम में फ्लॉपी डिस्क का काफ़ी चलन था। ये एक रिमूवेबल डिस्क होती थी जिनकी कैपेसिटी 1.44 मेगाबाइट या MB या फिर 1.2 मेगाबाइट MB तक होती थी। इनका साइज़ 3.5 इंच या फिर 5.2 इंच के आसपास होता था। कुछ टाइम बाद इनके जगह CD से DVD निकली और DVD से ये फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के ऊपर आ गई। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास CD या कॉम्पैक्ट डिस्क। CD पर ऑप्टिकल रेज की मदद से इसमें सारा डाटा रीड और राइट किया जाता है, जिसकी कैपेसिटी 700 मेगाबाइट की होती है। इनमें तीन तरह की डिस्क मिल जाती हैं। एक तो होती है नंबर 1 पे रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ रीड करने या सिर्फ प्ले या चलने के लिए होती हैं, जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर रिकॉर्डेबल रोम होती है। ये एक ब्लैंक CD या कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह है, जिनमें कुछ भी नया डाटा जैसे ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड या बर्न किया जा सकता है। इसी के अंदर ही CD में कुछ रिकॉर्डेबल CDs भी आती हैं, जिसमें जब तक आपकी डिस्क ख़राब नहीं होती तब तक आप इसमें जितनी मर्जी बार डाटा डालकर इरेज कर सकते हैं। एक और डिस्क आती है जिसे DVD कहा जाता है। DVD में CD से 15 गुना डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इनमें सिंगल लेयर डिस्क की कैपेसिटी 4.7 GB और ड्यूअल लेयर डिस्क की कैपेसिटी 8.5 GB तक होती है। जैसे पुराने टाइम में होता था कि कोई भी एक मूवी 3 CD में आती थी, पर एक ही DVD में 3 से 4 मूवीज़ पूरी आ सकती हैं। इसमें भी 3 कैपेसिटी मिलती हैं हमें, रीड ओनली यानी कि जो सिर्फ रीड करने या सिर्फ प्ले या चलने के लिए थी, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जबकि रिकॉर्डेबल DVD में ये ब्लैंक DVD होती है, जिनमें कुछ भी नया डाटा जैसे ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड या बर्न किया जा सकता है। रिकॉर्डेबल DVD इसमें जब तक आपकी डिस्क ख़राब नहीं होती तब तक आप जितनी मर्जी बार डाटा इसमें डालकर इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंडरी मेमोरी में देखते हैं रिमूवेबल डिवाइस। इसमें पेन ड्राइव, फ्लैश, USB ड्राइव, ये सभी एक ही टाइप के हैं। पेन ड्राइव एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है और इनमें चिप का उपयोग होता है। ये रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें काफ़ी डाटा रखा जा सकता है। आप इसमें डाटा में ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है ब्लूरे डिस्क। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है। इसकी कैपेसिटी CD DVD से कई गुना ज़्यादा होती है। ये ऑप्टिकल डिस्क होती है और इनमें 128 GB से 256 GB तक की डिस्क आती हैं। हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं बूटिंग का। कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। जब हम कंप्यूटर में लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हैं तो वह प्रोसेस बूटिंग कहा जाता है। एम्बेडेड सिस्टम एक चिप है जो कि किसी भी डिवाइस में लगाई जा सकती है, चाहे वो TV हो या फिर कोई मशीन या फिर फ़ोन। इसे किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर वाले सेक्शन में लगाया जाता है। जो भी काम किसी मशीन से करवाना चाहते हैं वहाँ ये चिप प्रोग्राम करके लगाई जा सकती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट या बूट होता है तब पावर ऑन होने पर पहले नंबर पे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम और रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे हम BIOS के नाम से जानते हैं, पावर का बटन प्रेस करते ही अपना काम शुरू कर देता है। BIOS ही सबसे पहले सभी आउटपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, हार्ड डिस्क को चेक करता है। सभी कुछ ठीक होने पर BIOS प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम या OS, जिसे हम विंडोज़ बोलते हैं, को लोड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होने पर हमने जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद दिखाई देने वाले सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए हैं वो हमारे सामने डेस्कटॉप के रूप में आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।